स्वागत है दोस्तों। तो एक बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 26 नक्सली ढेर मारा गया, 50 लाख रुपए का इनामी मिलिंद, 3 जवान भी घायल। गढ़चिरौली के जंगल में सर्चिंग जारी। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर गढ़चिरौली इलाके में शनिवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 26 नक्सलियों को ढेर किया है, यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए हैं। गढ़चिरौली के SP अंकित गोयल ने इसकी पुष्टि की है। सीनियर कैडर का हार्डकोर नक्सली मिलिंद तेलतुंबडे भी इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। इसके साथ ही और कई बड़े लीडरों के मारे जाने की खबर मिल रही है। जवान अब भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। जवानों के लौटने के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। जानकारी के मुताबिक फोर्स को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गढ़चिरौली के 11 पट्टी के जंगल में भारी संख्या में कई हथियारबंद नक्सली मौजूद हैं। मुखबिर की इसी सूचना के आधार पर शनिवार की सुबह महाराष्ट्र पुलिस के C60 यूनिट को ऑपरेशन के लिए निकाला गया था। जैसे ही जवान इस इलाके के जंगलों में पहुंचे तो माओवादियों ने जवानों पर फायर खोल दिया था। जवाबी कार्रवाई में फोर्स ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। कई घंटे तक पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चली, जिसमें जवानों ने 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार समेत सामान भी बरामद किया गया है। गढ़चिरौली एनकाउंटर में जवानों ने खूंखार नक्सली मिलिंद तेलतुंबडे को भी मार गिराया है। इस पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यह कई बड़ी घटनाओं में भी शामिल रहा है। मिलिंद नक्सलियों को गोरिल्ला युद्ध प्रशिक्षण देने के लिए शिविर आयोजित करता है। इससे प्रशिक्षण लिए कई लीडर आज महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्य में तांडव मचा रहे हैं। मिलिंद की पत्नी भी माओवाद संगठन में थी, जिसे 2011 में गिरफ्तार कर लिया गया है।